हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड माय मैजिक बॉक्सेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिंत्रा के AOR सेल से बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट्स। जैसे कि आपको पता है कि मिंत्रा पे जो है बहुत अच्छी सेल चल रही है और मैंने जो है काफ़ी देर से अपने लिए कुछ नहीं था मंगाया है। नो, जैसे रिसेंटली मैंने बेबी डिलीवर किया, मेरी प्रेगनेंसी थी, तो मैंने उस दौरान भी कोई खास शॉपिंग नहीं की बिकॉज ऑब्वियसली वो बिल्कुल कपड़े वेस्ट होते हैं, आउटफिट्स तो बाद में काम नहीं आते साइज़ की वजह से, तो बिल्कुल नहीं थके। मैंने इस बार तो भाई शॉपिंग करनी बनती है, तो मैंने ढेर सारे आउटफिट्स इस बार मंगवाए हैं, कुछ ड्रेसेस, ज़्यादातर मैं ड्रेसेस मंगवाई बिकॉज कुर्ताज डाल के तो बस हो गई है मेरी अब। तो मैंने कहा चलो इस बार ड्रेसेस मंगाते हैं अच्छे, तो मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए अपने मिंत्रा से और मुझे कुछ ड्रेसेस आज रिसीव हुई हैं जिनका जो मैं आज ही आपके साथ जो है रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही ड्रेसेस आती रहेंगी मैं आपके साथ जो है वीडियो शेयर करती रहूँगी। इन द पार्ट्स में आपको ये वीडियोज़ जो है मिंत्रा हॉल मिलेगा, तो जो मुझे आज रिसीव हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला जो आउटफिट है मैं साथ में जो है जो स्क्रीनशॉट जैसे मिंत्रा पे वो दिखता है वैसे मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी कि मिंत्रा पे कैसे दिखते थे आउटफिट। और ये जो है मैंने मंगाया है, ये है कॉर्ड सेट, इट्स फ्रॉम द कंपनी द रोडस्टर कंपनी का ये कॉर्ड सेट है। इन द साइज L में मैंने मंगवाया है क्योंकि मेरा साइज L है। तो इसकी जो है लुक भी मैं स्क्रीन के साइड में शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं कि ये पहन के कैसे लगता है। तो फ्रेंड्स, ये है आउटफिट जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द टी शर्ट, इसके ऊपर लिखा हुआ है BREA के ब्रेक, देख सकते हैं, इट्स लाइक दिस, बिल्कुल ब्लैक कलर में और कुछ ऐसे ऐसे लूज सी टी शर्ट है। और इसके साथ है पेयर करने के लिए शॉर्ट्स, बिल्कुल प्लेन ब्लैक शॉर्ट्स है। आगे जो ये टाई करने के लिए ये स्ट्रिंग्स दी हुई हैं एंड दिस इज द शॉर्ट। तो ये है कॉर्ड सेट, इसकी जो है लुक मैं रिवील कर रही हूँ साथ में, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कॉर्ड सेट है। इट्स ए निट कॉटन में, मतलब समर के लिए तो आई थिंक बेस्ट है, बिल्कुल डाल के आपको गर्मी नहीं लगेगी। जैसे कि वेकेशन सीजन चल रहा है तो वेकेशन में आप आराम से कहीं भी पहन के डाल सकते हो, कैजुअली आप कहीं जा रहे हो फॉर द शॉपिंग इन द मॉल तब डाल सकते हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एक तो इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है एंड सेकेंडली निट कॉटन है, तो कॉटन का आप देख सकते हो बिल्कुल ब्रीदेबल फैब्रिक है, इसमें आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, बहुत ही प्यारी लुक देता है। बट द थिंग इज दैट मुझे जो है थोड़ी ये है लेग्स से ज़्यादा ही कुछ शॉर्ट है, तो मुझे ये सूट नहीं की, तो आई थिंक पता नहीं मैं रखूँगी रिटर्न करूँगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। बट येस, जो ओवरऑल लुक है इसकी बहुत अच्छी है, अगर मतलब स्पेशली अगर पतले हो, क्योंकि मैं तो मोटी हूँ, अगर आप पतले हो तो आप पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, तो आई थिंक दिस इज मस्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड येस, थोड़ा मैं कन्फ्यूज इसको लेके जस्ट बिकॉज कि मुझे ये पर्सनली पता नहीं इतना सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा उस चीज़ को लेके, बट अदरवाइज बहुत ही प्यारा सेट है फ्रेंड्स। तो मैं सोचूंगी इसके बारे में, रखूंगी कि मैं रिटर्न कराऊंगी, बट एक्चुअल MRP है 1299 और इसका डिस्काउंटेड प्राइस है अभी जो सेल में चल रहा है EOS में, दैट इज 454 rupees। तो येस यार, बहुत अच्छी डील है, 450 rupees में कुछ बुरा नहीं है, आई थिंक मुझे रख ही लेना चाहिए, मैं रख लूँगी। चलो थोड़ा अपने वेट लॉस पे वर्क कर लूँगी तो कल को डाल लूँगी, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू कीप इट। इस प्राइस पे तो यार कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी कौन छोड़ता है, सो येस आई एम गोइंग टू कीप इट। सो नेक्स्ट ड्रेस इज दिस ब्यूटिफुल फ्लोरल पिंक ड्रेस फ्रॉम द ब्रांड मैक्स, ये बहुत ही प्यारा कलर है फ्रेंड्स, इतना प्यारा बेबी पिंक कलर, मतलब मुझे बेबी पिंक कलर आजकल तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, मे बी आई एम हैविंग टू गर्ल्स दैट्स व्हाई, बट मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ द ड्रेस लुक्स, ये है मैक्स से और इसका जो है MRP है आई थिंक, लेट मी चेक, जो MRP है दैट इज 999 rupees और जो अभी डिस्काउंटेड प्राइस इसका चल रहा है दैट इज 749 rupees, मतलब 25% ऑफ में ही चल रहा है। और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी ड्रेस है, इसका मटेरियल आई थिंक इट्स अ पॉलिएस्टर मटेरियल और समथिंग, लेट मी चेक, येस द फैब्रिक इज द पॉलिएस्टर, लेकिन अच्छा है, मतलब इसमें गर्मी नहीं लगती है, पॉलिएस्टर फैब्रिक्स में वैसे तो वैसे गर्मी लगती है, बट आई थिंक इट्स ठीक है, लाइट वेट पॉलिएस्टर है, आई थिंक आई कैन वियर दिस ड्रेस अगर गर्मी में भी, तो आई थिंक अच्छी रहेगी। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, कलर ये देखिए, और इसका जो है साइड में मैं अपना लुक भी दे रही हूँ ये डाल के कैसी लगती है। तो मुझे तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई, ड्रेस में बस ये प्रॉब्लम जो मुझे एक लगी है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे ना इसका नेक, लेट मी शो यू, देखिए ये आपका इसका नेक देख रहे हो, और ये है यहाँ से बस जैसे एक टांका सा लगा हुआ है, और यहाँ से देखो पूरा रिवीलिंग है, लुक एट दिस फ्रेंड, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों किया गया है, मुझे तो मतलब
कुछ समझ नहीं लगा, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स डालते हैं बिकॉज इसमें जो है आपके जो है इनर जो है आपने जो भी डाली हुई है वो आप वो थोड़ी रिवील हो सकती है, स्पेशली इफ़ यू हैव हैवी बस, तो उस चीज़ में जो है मुझे लगा ये थोड़ा गलत चीज़ है। आई थिंक फॉर माई ओन सेक एंड सेफ्टी कि थोड़ा रिवीलिंग ना हो, तो इसलिए मैं इसको स्टिच करूँगी, मैं भी खुद ही स्टिच करवाऊँगी, ज़रा सा यहाँ पे जो है इसको पक्का करवा दूँगी विद वाइट थ्रेड और समथिंग, ताकि ये रिवीलिंग ना लगे। अदरवाइज मुझे इसका कुछ मतलब लगा नहीं कि क्यों ऐसा, नहीं तो ड्रेस तो बहुत प्यारी है, ड्रेस से मुझे और कोई कंप्लेंट नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को लेकर कंप्लेंट है कि लाइक वॉट इज़ दिस, तो बस यही है, क्योंकि ये अलग हो जाती है अगर हैवी बर्स्ट हो तो ये थोड़ी अलग होने की टेंशन होती है, रिवीलिंग हो जाता है और साइड से भी उड़ जाता है ऐसे करके, जैसे आप देख सकते हैं। तो आप मतलब गर्ल समझ सकती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो बस इस ड्रेस में सिर्फ यही प्रॉब्लम है, अदर इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, लेंथ भी बहुत अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत अच्छी लेंथ है, तो यू कैन टेक इट, यू कैन बाई इट फ्रेंड्स। सो द नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ड्रेस है, आई लव इट, आई रियली लव इट। मतलब एक तो होता है ना कि चीज़ थोड़ा बंदा सोचता है कि यार रखूँ ना रखूँ, ठीक है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, बट कुछ चीज़ होती है ना मैं तो रखूँगी कुछ भी हो जाए, मतलब दिस इज़ ऑसम, इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। सो ये है वो ड्रेस जिसको मतलब आई रियली लव इट, मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, मुझे नहीं पता कि आपको लगे कि मेरे पे इतनी अच्छी लग रही है नहीं लग रही, मतलब मुझे पर्सनली तो लगता है मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है, तो इसलिए तो मैं रख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है। बाकी आप बताना आपको ये ड्रेस कैसी लगी और मुझ पर भी कैसी लगी, एंड दिस इज़ द ड्रेस। और फ्रेंड्स ये ड्रेस जो है हर्षी इन बॉक्स की है, स्टाइल कास्ट एक्स हर्षी इन बॉक्स, तो स्किन ड्रेसेस जो है इन कंपनी की इतनी प्यारी ड्रेसेस इन्होंने निकाले ना, इतने अच्छे डिजाइन है ना, मतलब मेरी विश लिस्ट में मैक्सिमम ड्रेसेस हैं ये हर्षी इन बॉक्स की हैं, आई थिंक इतनी प्यारी ड्रेसेस है। बट द थिंग इज दैट कि मेरा साइज ही अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों मिंत्रा ने कैसे सेल लगाई है, बीच में से मुझे लगता है इनके तो साइज ही अवेलेबल नहीं, मुझे आता है एल साइज मोस्टली, मतलब मेजोरिटी मुझे एल साइज ही आता है हर एक ड्रेस का, और जितनी मैंने हर्षी इन बॉक्स के ड्रेसेस विशलिस्ट में डाली हुई है ना उनमें एल साइज है ही नहीं, एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल मिल जा रहा है, ज़्यादातर यही मिल रहा है, मीडियम ही मिल रहा है, बट एल में जो है सभी ऑलमोस्ट सभी आउट ऑफ स्टॉक है एल साइज में, एंड ये भी आउट ऑफ स्टॉक थी, मतलब मैंने पहले काफ़ी चीज़ें मंगाई, वो मैंने एक भी लिंक पे शॉपिंग की, फिर मैं रोज स्क्रॉल करती थी चेक करती थी आ जाए स्टॉक आ जाए स्टॉक आ जाए, तो जब ये आए तो मुझे इतनी खुशी हुई तो मैंने ऑर्डर कर लिया, और सबसे पहले यही ड्रेस रिसीव हुई, वो पहले मैंने फर्स्ट बिलिंग वाली जो ड्रेसेस थी वो भी मुझे रिसीव भी नहीं हुई है। सो दिस इज द ड्रेस, ये है बहुत अच्छी फ्रॉक स्टाइल में ड्रेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रफल्स हैं, एंड आई थिंक द फैब्रिक इज द जॉर्जेट फैब्रिक, ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं दिस इज द ट्रांसपेरेंट, ये जॉर्जेट फैब्रिक है, और नीचे जो है इसकी दी हुई है इनर, आई थिंक दैट इज द पॉलिएस्टर मटेरियल की, हाँ गर्मी लग सकती है बिकॉज ऑफ द पॉलिएस्टर में ना गर्मी लगती है, थोड़ा कॉटन ही है, सिंथेटिक है, पॉलिएस्टर भी नहीं है, दिस इज सिंथेटिक मटेरियल, नीचे इनर दी हुई है, एंड ऊपर ये जो है जॉर्जेट की है फ्रॉक सी, तो इसका भी आप लुक देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, मतलब इतना प्यारा कलर है, इतना सूदिंग है, और यस जैसे आप देख सकते हैं ये जो है आगे बटन्स है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड आई थिंक इट्स एन ऑसम ड्रेस फ्रॉम हर्षी इन बॉक्स, और मैंने हर्षी इन बॉक्स की मेरे पास कोई ड्रेस नहीं, मैं फर्स्ट ड्रेस ली और इतनी ज़्यादा मैं इंप्रेस्ड हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरी और भी ड्रेसेस वो विशलिस्ट में जो है उनका भी साइज आ जाए और मैं जल्दी जल्दी से बाय करूँ, मतलब मुझे वैसे हो रहा है कि कब वो ड्रेसेस का मेरे साइज आएगा इन स्टॉक में और कब मैं बाय करूँगी, तो मुझे मतलब इतना इंप्रेसिव लगा, इस ब्रांड के डिज़ाइन बहुत इंप्रेसिव है और फिटिंग इतनी ऑसम है, और एक और चीज़ फॉर द फिटिंग, फिटिंग से मुझे याद आया इन्होंने साइड में जो है जिप दी हुई फॉर द फिटिंग, ये देखिए ये जो जिप है ये ओपन हो जाती है ताकि अब मतलब इजिली रिमूव हो जाएगी ड्रेस, एंड व्हेन यू वियर इट तो यू कैन क्लोज दिस, तो उससे इस वजह से क्या होता है फिटिंग बहुत अच्छी आती है आपके जो बस्ट एरिया में से बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है, सो दिस इज वेरी नाइस ड्रेस फ्रेंड्स, मस्ट गो फॉर इट, मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गई, द बेस्ट थिंग इज दैट इसका जो MRP है दैट इज 2168 2168 रुपीज़, एंड इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है मुझे मिला है दैट इज 867 रुपीज़ ओनली, मतलब इतनी क्यूट ड्रेस मुझे मिली है सिर्फ 867 में। सो द नेक्स्ट वन इज, अब डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ मैं क्या आपको स्टार्टिंग में दिखाती हूँ, डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ मैंने एंड में रखी हुई है, और वो है मेरे ये स्टाइल कास्ट कंपनी के मैंने मंगवाई थी प्लेटफॉर्म हील्स, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज द बॉक्स ऑफ स्टाइल कास्ट, डिड आई से स्टाइल कास्ट, नॉट स्टाइल कास्ट, यूटोपिया,
शूटोपिया कंपनी के जो है मैंने मंगवाई थी प्लेटफॉर्म हील्स। और मैं आपको बताऊँ, मैंने एक शॉर्ट भी डाला है अपने चैनल में, जो वो शॉर्ट है वो मैंने प्लेटफॉर्म हील्स ऑर्डर की थी अमेजोन से, और मैंने ऑर्डर की थी उसमें पिंक कलर की, लेकिन मुझे रिसीव हुई थी उसमें व्हाइट कलर की। ठीक है, तो मैंने क्या वो रिटर्न कर दिया, मुझे नहीं इतनी पसंद लगी क्योंकि मैंने चाहिए मुझे पिंक थी। तो इस बार मैंने मिंत्रा से फिर जो है पिंक कलर के ऑर्डर किए, एंड मैंने देखा कि सेलर सेम था, आई थिंक दो भाई एंड बैग्स कुछ करके सेलर है, वही सेलर है, अमेजोन पे डील कर रहा है और वही जो है मिंत्रा पे भी भेज रहा है। तो मैंने मिंत्रा से मंगाई, खैर इस बार मुझे पिंक कलर रिसीव हो गया, पर अब देखो फिर से उसने बंदे ने भेजा है मुझे डिफेक्टेड पीस, आई शो यू, तो कि वो तो रिटर्न अब ये भी होने वाले हैं और मैं अब मंगवाऊंगी भी नहीं, दोबारा नहीं मंगवाने वाली। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये जो मैंने व्हाइट वाले मंगवाए थे ना उसमें ये चीज़ नहीं थे, आप देख सकते हैं ये रिंकल्स पड़े हुए हैं, इकट्ठा हुआ हुआ है सारा। हाँ हो रहा है, कैमरे में तो कैप्चर हो रहा है, लुक एट दिस, ये डिफेक्टेड पीस उसने मुझे दिया है फिर से। ये देखिए कितना ख़राब से ये दिए हुए डिफेक्टेड पीस भेजा है मुझे, और इसका जो है क्वालिटी भी इसकी अच्छी नहीं है, मतलब दिखने में मैंने जो वीडियो साथ में जितने भी ड्रेसेस का वीडियो मैंने साथ में डाली हुई है उसमें मैंने यही डाले हैं, लेकिन यू नो इसकी मतलब दिखने में लुक ऑल ओवर अच्छी आती है आई वॉन्ट से, बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये वेलक्रो जो है ये अपने आप खुल रही है, मतलब बच्चों के शूज नहीं होते, बार बार चलते हैं खेलते हैं वेलक्रो उतर रही है, वेलक्रो बार बार लगानी पड़ती है, मेरा तो वही साफ हो रहा था इसको डाल के। ये देखिए बड़े हल्के से हैं, मतलब मैं इसको रिटर्न कराने वाली हूँ ऑब्वियसली, और दोबारा अब नहीं मैं मंगाने वाली, अब बस दो बार हो चुका है कि इसका एक्सपीरियंस मुझे सब बहुत बुरा रहा है। अदरवाइज मुझे लुक वाइज बहुत पसंद था, मुझे प्लेटफॉर्म हील्स चाहिए भी थे, तो मुझे लगा यार अच्छा सा है, होलोग्राफिक सा मतलब डिज़ाइन है, बट आई वुड से कि प्लीज़ प्लीज़ डोंट बाय दिस, बिल्कुल मत बाय कीजिएगा। एक तो सैलरी है वो ही अच्छा नहीं है, कि जो बार बार अमेजोन पर मंगवाया तब भी उसने गलत किया। अमेजोन पर क्या सीन हुआ था वो मैं बताती हूँ, फोटो में लगे पिंक, बाद में मैंने देखा टाइटल में लिखा ग्रीन और भेजे कौन से वाइट, और मिंत्रा से मंगाया ठीक है पिंक ही मंगाया, पिंक ही आया, बट सी द डिफेक्टेड पीस, तो कोई मतलब नहीं है। तो आप फिर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिस इज हाउ इट लुक्स, मैं पिक्चर भी साथ में लगा दूंगी कि ये वेबसाइट पे कैसा लगता है, एंड दिस इज हाउ आई रिसीव देम। और फ्रेंड्स ये जो मुझे प्लेटफॉर्म हील्स हैं इनका जो MRP दैट इज 1999, जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं लग रही है 1999 की, नो बिल्कुल भी नहीं, और इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है जिस प्राइस से मुझे मिला दैट इज 879 रुपीज़, आई थिंक इसकी भी वर्थ है ही नहीं बिल्कुल भी, 879 रुपीज़ ने इस, तो एक बंदे ने मुझे डिफेक्टेड पीस भेजा, और आई वुड से कि मतलब ऑल ओवर लुक अच्छी लगती है, बट इन द फ्रंट अगर आप पैर को देखोगे तो मतलब इतने अच्छे फॉर्म है भी नहीं, इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना, अच्छे लगेंगे पैर भी, मतलब इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं है। ऑल ओवर आप ड्रेस के साथ मिक्स एंड मैच करके आप देखते हो तो चलो प्लेटफॉर्म हील्स है दैट लुक गुड, बट आई वुड से कि दीज आर नॉट वर्थ 879 रुपीज़, यस आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिटर्न दैम। तो मेरे अभी और भी पार्सल्स है दैट आर ऑन द वे, तो जैसे भी वो आएंगे तो मैं आपके साथ जो है वो भी ड्रेसेस शेयर करूंगी, उनका भी रिव्यू शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन जो है जल्दी से पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।